मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार 4 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कैबिनेट ने दिल्ली वालों को बिजली पर मिल रही सब्सिडी पर जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मीटिंग में कैबिनेट मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राजकुमार आनंद, गोपाल राय समेत सभी कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा, दिल्ली में पिछले कई दिनों से बहुत बड़ी साजिश चल रही। दिल्ली वालों को बिजली पर मिल रही सब्सिडी को रोकने की साजिश। बिजली विभाग के अफसरों ने हमें बताया कि किस तरह से बीजेपी के नेता एलजीवी के सक्सेना ऑफिस में बैठते हैं। वहां बिजली विभाग के अफसरों को बुलाया जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है कि दिल्ली सरकार की ओर से दी जा रही बिजली फ्री को किसी तरीके से रोक दिया जाए। बिजली मंत्री आतिशी ने कहा, मैंने विधानसभा सत्र के दौरान भी यह मुद्दा उठाया। हमें मीडिया से पता चलता है एलजीवी के सक्सेना ने फ्री बिजली से जुड़े मुद्दे पर एक फाइल भेजी है। 10 मार्च को भेजी गई फाइल को बार बार अफसरों से मांगने के बाद दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छुपाया गया, क्योंकि फ्री बिजली रोकने की साजिश। आज तक इस फाइल को आधिकारिक रूप से चुनी हुई दिल्ली सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया, जो ये साजिश चल रही थी। आतिशी ने कहा कि इसके बाद जब हर साल दी जाने वाली बिजली सब्सिडी का कैबिनेट नोट और प्रस्ताव तैयार होता है तो बिजली विभाग पर दबाव डालकर उनको एलजी हाउस बुलाया जाता है। बीजेपी के नेता धमकाते हैं, इसके बाद अधिकारियों से फाइल पर लिखवाया जाता है कि वकीलों और किसानों की बिजली सब्सिडी बंद कर दी जाए। बिजली मंत्री आतिशी ने कहा, दिल्ली वालों को ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही, एलजीवी के सक्सेना और बीजेपी ने बिजली सब्सिडी रोकने की अपनी पूरी कोशिश की। उनके सारे प्रयासों के बावजूद केजरीवाल सरकार ने आने वाली साल में दिल्ली वालों को बिजली सब्सिडी देने का फैसला कैबिनेट में लिया। लोगों को अब न सिर्फ 24 घंटे बिजली मिलेगी बल्कि बिजली फ्री मिलेगी। आतिशी ने बताया, आने वाले साल में भी उसी तरह से बिजली सब्सिडी जारी रहेगी जैसे कि पिछले सालों में रही। 200 यूनिट तक की बिजली जो भी दिल्ली में घरेलू उपभोक्ता अपने घर में इस्तेमाल करेगा उसे बिजली फ्री मिलेगी। 200 से 400 यूनिट पर 50% की छूट। वकीलों, किसानों, 1984 के दंगे पीड़ितों को जैसे पहले बिजली सब्सिडी मिल रही थी वो भी जारी। उन्होंने कहा, जिन जिन लोगों ने अक्टूबर से अब तक बिजली सब्सिडी के लिए अप्लाई किया था उनकी बिजली सब्सिडी अप्रैल 2024 तक वैध रहेगी।